हर एक उस न्याय पसंद व्यक्ति को पीड़ा होगी जो संविधान में, मानवतावाद में, भाईचारे में भरोसा रखता है, उन सबको पीड़ा होगी। तो मुझे जाना था क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मैं भीमा कोरेगांव जाता हूं हर साल। जैसे मैं मुजफ्फरनगर पार किया मैंने, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि भाई मैं इनसे बिना मिले चला जाऊं। तो मैंने मुजफ्फरनगर पार करने के बाद दोराला से अपने सीनियर साथी से फोन करके कहा कि यार फ्लाइट तो दूसरी भी हो जाएंगी, लेकिन अगर आज उनके दर्द में नहीं खड़ा हुआ तो शायद मैं रात को सो ना पाऊं। फिर मैं इसलिए यहां चला आया। और मैं ट्रेन से जा रहा था तो मैंने आज मेरठ को भी उस ट्रेन के आंखों से भी देख लिया कि मेरठ के क्या हालात। फिर अभी हमारे बीच जो एक सम्मानित पार्षद जिनके साथ अन्याय हुआ, वो हमारे बीच में हमारे छोटे भाई भी हैं। आप सब जानते हैं कल क्या हुआ। तो मुझे लगा कि जब ये लड़ाई, अब क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई की कमान थाम ली है कि वो इसको लड़ना चाहते हैं, तो फिर हम सब लोग उनके साथ हैं। आप और मैं बेहतर जानते हैं कि पिछली बार बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ था मेरठ में। पिछली बार भी कुछ पार्षदों को पीटा गया था शपथ में। और आप जब दूसरी मीटिंग में भी जो सरकार द्वारा, जो भ्रष्टाचार सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो मंत्री जी करवा रहे हो, चाहे मेयर साहब करवा रहे हो, और चाहे एमएलसी साहब या कोई भी जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने पैसे के आधार पर ये हासिल किया है, उनको, उनके भ्रष्टाचार पे अगर कोई बात करता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब कल हमारे छोटे भाई ने, जो सम्मानित पार्षद, उनके भ्रष्टाचार पे बात की तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और उन्होंने कुछ गुंडे वो साथ रखते हैं इस तरह के कि जो डरा के दबा के राजनीति कर सके, लोगों को रोक सके, झूठे मुकदमे, तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे। कल यही हुआ कि जब इन्होंने अपने क्षेत्रों की बात रखी तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और खामियाजा ये हुआ, कीर्ति का तो कोई रोल भी नहीं था, विवाद भी दूसरे पार्षद साथी के साथ हो रहा था। इसने तो जिम्मेदारी अदा की कि वो बोर्ड है, उसकी गरिमा बनी रहे उस सदन की, और इसने रोकने का काम किया तो उन्होंने हथियार के तौर पर इसी के साथ मारपीट की और बहुत ज्यादा की। जो चीजें सदन के जो सदन है उसके अंदर होती समझ आती, लेकिन सड़क पे लाके पीटने का मतलब ये है कि विपक्ष के सभी पार्षदों को संदेश दिया जाए, विपक्ष के सभी नेताओं को, दलों को संदेश दिया जाए कि अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ोगे या कोई बात रखोगे, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाओगे, तो हम आपको पीट के भी आपका रास्ता रोक सकते। ये एक तरह का दबाव है। इस दबाव के आगे डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कभी ना पहले झुके ना आप झुके। कल वो बड़ी संख्या में थे, उन्होंने इसलिए इस घटना को अंजाम दे दिया। मुकाबला शायद बराबरी का होता तो उनको एहसास हो जाता कि मुकाबला कैसे होता, लेकिन हम क्योंकि संविधान को मानते हैं तो रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते। पीट के फिर हमारे ही लोगों को बंद करवा दिया, ये भी एक अलग तरह का कानून बन गया, अलग तरह की जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। जो पीड़ित है उसे बंद करवा देते। और मुझे जान के बड़ा दुख हुआ जब भरी आंखों से मुझे हमारे सम्मानित पार्षद ने बताया कि वो हमें ढूंढ रहे थे, पूरा उन्होंने थाने की घेराबंदी कर ली। अगर कल पुलिस के साथियों ने अपनी जिम्मेदारी ना अदा की होती तो वो हमें थाने में जिंदा जला देते। वो पेट्रोल वेट्रोल लेके घूम रहे थे, सरिये वरिये तलवारें लेके। इसका मतलब ये मेरठ वो धरती है जो क्रांति की धरती है, जहां कोतवाल धनसिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई, 10 मई 1857 को। उस धरती पे क्रांति यानी के लोगों की हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में, इसको आजकल अपराध माना जा रहा उत्तर प्रदेश में, उन आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने का काम, जला के मार के करने का प्रयास सरकार के लोगों ने किया। आप जानते हैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं, आप देखे सरकार के एक मंत्री कैसे कूद कूद के दलितों का दमन कर रहे थे, और वो तो अपने पद का भी दुरुपयोग, अपने पद की गरिमा को भी नहीं बचा पाए। दूसरे जो एमएलसी हैं उन्होंने भी क्या रोल अदा किया आपने वो देखा। ये वही सरकार, उसी सरकार के नेता जो अभी कुछ दिन पहले जिन मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन कर करके दलितों के हितैषी होने का दावा कर रहे थे। ना भाजपा के लोग कभी दलितों के हितैषी थे, ना पिछड़ों के, ना मुसलमानों के, ना ईसाइयों के, ना बौद्धिस्टों के, ना जैनों के, ना आज है, ना ही वो किसी न्याय पसंद अपर कास्ट के लोगों के भी वो किसी के समर्थक नहीं है। उनका एक एजेंडा है,
जो भ्रष्टाचार में उनके साथ शामिल है, जो उनके लूटपाट में शामिल है वो उनका अपना है, बाकी सब लोग उनके पराए। और वो ये सोचते हैं समय समय पे कभी इसी को अकेला करके पीट लो, कभी इसको, ये काम अब बंद हो जाएगा मेरठ में, क्योंकि कल का जो अपमान है वो पूरे समाज का अपमान है। हक वंचित कमजोर दलित पिछड़े मुसलमान अग्रस्त उन सब लोगों का जो अपने हैं लोगों की आवाज उठा रहे। और आप विश्वास करो पूरे देश से मुझे फोन आए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां विपक्ष की भूमिका में, सबने मुझसे कहा कि भैया ये तो सरासर अन्याय है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, मैं बहुत जिम्मेदार दोहरा रहा हूं कि अगर कल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ना अदा की होती, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस के साथियों का, तो आज हम इनकी जली हुई लाशों को शायद थाने से कहीं से उठा के या फिर किसी नाले वाले से उठा के लेके आते। ऐसा जो है कल का माहौल जो है वो मेरठ में उन लोगों ने बनाया। उनको ऐसा लगता है कि इनकी आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, और ये अपने लोगों की आवाज उठा, इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मगर मैं समझता हूं कि जहां अन्याय होता है वहां न्याय के लिए आवाज भी उठती है। देश जो है क्रांतिकारियों का देश है, हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, इनकी क्या हैसियत है। अगर कोई ये गलतफहमी में बैठ गया है आज जिस सत्ता के दम पे, और मैं तो सोचता हूं उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके सदन में आज बैठने में इन लोगों का रोल है। तो हमने राजस्थान में भी ये करके दिखाया कि जिन्होंने कमजोर वर्गों पर उत्पीड़न किया ऐसे कई सारे लोगों को हमने सदन में घुसने नहीं दिया। ये बात मेरी उन लोगों तक जाएगी जो आज जुल्म की जो है, क्योंकि सत्ता जो है ना, सत्ता एक नशा है, सत्ता का एक अहंकार होता है, उसमें आदमी पागल हो जाता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। कल जो व्यवहार था वो ऐसा ही था, वो किसी सम्मानित जनप्रति जैसा व्यवहार नहीं था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि जो सत्ता का अहंकार है ये जनतंत्र के आगे लोकतंत्र के आगे नहीं चलता है। मेरठ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और हर न्याय पसंद व्यक्ति इस कल के अन्याय को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चुने हुए लोग। अब मैं ये भी समझता हूं कि एक हथियार उनके पास है जिसको आपके सामने घटनाक्रम के तौर पे कल दिन में जब ये पूरी घटना, शायद कोई मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों ने कोई सफाई दी थी या कोई आरोप लगाया था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई एक हथियार आजकल बीजेपी के लोग यूज कर रहे हैं कि महिला अपमान हुआ। और हम आप पर जानते हैं किस तरह से बहन बेटियों को हथियार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से करती आ रही, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया जा सकता है। मैं उस पर बिल्कुल, मेरा स्पष्ट कहना है कि वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, और वो बिटिया जिसके बारे में, बहन जिसके बारे में कह रहे, वो हमारी बहन, अगर उसके अपमान पे उसकी इतने सी भी आंच आएगी तो हम अपनी गर्दन जो है देने के लिए तैयार है, अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन उसको हथियार बना के अगर आप दलितों को दमन करने का, उनको जान से मारने का, उनको जला के मारने का, उनको बेइज्जत करने का, उनके कपड़े फाड़ने काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब चीज रिकॉर्डिंग में, कोई चीज सदन की ऐसी नहीं जो रिकॉर्डिंग में ना हो, एक एक चीज गवाही के तौर पे है कि वहां क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरह से एक जिम्मेदार सम्मानित पार्षद को नीचा दिखाते हुए लाकर सड़क पर मारने पीटने का प्रयास किया। यही उत्तर प्रदेश की सरकार का यही चाल चरित्र, भाजपा का यही चाल चरित्र है कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, जो और न्याय पसंद अन्य जातियों के लोग हैं उनको किस तरह से अपमानित किया जाए। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं दल बल सब चीजों से ऊपर हटके, ये इंसानियत की बात है, ये न्याय की बात है। हम, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सम्मानित पार्षदों के साथ है, उनकी लड़ाई सड़क से लेके कोर्ट तक, जहां तक भी हम लड़ सकते हैं उसको लड़ेंगे। इनको किसी भी कीमत पे अगर इनके साथ दमन करने का प्रयास सरकार करेगी डराने के लिए तो उस पर हम पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी भी कीमत पे अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अगर भविष्य में भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति पे सरकार के लोग शोषण करेंगे उसकी आवाज बनने काम हम लोग करेंगे। और क्योंकि इंदू शेखर के मामले में लंबे समय पहले एक घटना यहां गई थी, आपने देखा होगा किस तरह से एक मजदूर की, मिस्त्री की हत्या जो है अपने पैसे मांगने पर की गई थी, और आज तक उसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार सभी लोग नहीं हुए। उसमें भी शायद 10 तारीख की पंचायत की कॉल समाज के जिम्मेदार लोगों ने यहां दी है। मैं खुद उस 10 तारीख की पंचायत में शामिल हूंगा और मैं बड़े पैमाने पर आह्वान करता हूं देश भर के लोगों से कि वो भी 10 तारीख की पंचायत का हिस्सा बने। अगर सरकार, पुलिस, सब लोग मिलजुल के दमन करने का काम गरीबों का करेंगे, निर्दोष लोग करेंगे, तो उनके खिलाफ आवाज आज नहीं तो कल उठानी पड़ेगी। और अगर इस बात में मेरठ चूक जाता है, जो क्रांति की धरा है, जिसने देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए पहली जो है आहुति दी, बलिदान दिया, अगर मेरठ चूक जाता है तो ये तो मेरठ का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो मेरठ का अपमान, पश्चिम का अपमान,
कमजोरों का, गरीबों का, नौजवानों का अपमान नहीं होने देंगे।